आज मैं आपको पोएसी कुल के प्रमुख पादप ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसे आम भाषा में गेहूं कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इसकी प्रकृति और आवास एक वर्षीय घास होती है। ये मुख्य खाद्यान्नों में से एक है। गेहूं फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका स्वभाव शाक होता है। जड़ इसकी अपस्थानिक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। इसका तना शाकी होता है। शाकी मतलब हर्बेशियस। वायवीय एरियल होता है। ऊर्ध्वशीर्षी मतलब इरेक्ट होता है इसका, और सीधा खड़ा रहता है तना। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल होता है। शाखन तने के आधार से होता है और तल शाखन या टिलरिंग कहलाता है। यह नलीदार चिकना ग्लैब्रस होता है और हरा होता है। एरोमिल होता है इसका तना। यह पर्व संधि पर ठोस और पर्व पर खोखला होता है। अब है पत्ती। पत्ती इसकी एकांतर अल्टरनेट होती है, सरल होती है, सिंपल लीफ होती है, अननुपर्णी एक्स स्टिपुलेट होती है, अवरंत मतलब सेसाइल पत्ती होती है। पत्ती एक रेखिक स्तरिका और पर्ण आच्छद में विभेदित होती हैं। दोनों के संधि स्थल पर एक छोटी झिल्ली में जीभिका या लिग्यूल उपस्थित होती है। स्तरिका भालाकार या लेंसुलेट होती है। अच्छिन्न कोर मतलब एंटायर होती है। निशिताग्र मतलब एक्यूट होती है। सूक्ष्म रूप से रोमिल होती है, हेरी होती है इसकी पत्ती, और इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अब इसका पुष्पक्रम है कणिशिकाओं का कणिश या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या कणिशिका कहते हैं। इसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला है एक जोड़ी तुष या ग्लूम्स जो कि आधार पर उपस्थित होते हैं। दूसरा है ग्लूम के पीछे या तुष के पीछे एक प्रमेयिका या लीमा या अधोवर्ती शल्किका या इन्फीरियर पेलिया होती है। तीसरा है एक ऊर्ध्वर्ती शल्किका या सुपीरियर पेलिया या पेल होता है। पुष्प के आवश्यक अंग प्रमेयिका या लीमा और पेल के बीच स्थित होता है। अब इसका फ्लावर है अवरंत पुष्पवंत होता है, सेसाइल होता है, पूर्ण कंप्लीट होता है। एकव्या सम्मित मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होता है। जायांगदर हाइपोगाइनस होता है फ्लावर, और चक्री होता है मतलब साइक्लिक होता है। और इसका पुष्प जो होता है वो छोटा और अनाकर्षक होता है। अब है परिदलपुंज। जब दलपुंज और बाह्य दलपुंज में अंतर नहीं होता है तो उसको कहते हैं परिदल, सो पेरियंथ कहते हैं। इसमें दो समानित मुक्त रचनाएं होती हैं। इसमें परिदलों को लोडिक्यूल कहते हैं। ये मसल और रोमिल होती है। इसके ये अग्रपार्श्व स्थिति में दो पेलिया के बीच स्थित होती है। अब है पुनकेसर तीन पृथक पुनकेसरी पुतंतु लंबा द्विकोष्ठी मुक्त दोली होती है। द्विकोष्ठी मतलब डाइथिकस। मुक्त दोली वर्सेटाइल होते हैं और अंतर्मुखी का मतलब इंट्रोर्स होते हैं। अब है जायंग या गाइनोशियम, यह एक अंडपी होती है। अंडाशय ऊर्ध्वर्ती होती है, सुपीरियर ओवरी, एक कोष्ठीय यूनिलोक्युलर और एक सीमांत बीजांड अन्यास या सीमांत बीजांड मार्जिनल ओव्यूल पाया जाता है। और इसमें वर्तिका या स्टाइल अनुपस्थित होती है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा दो होती है और पीछे मतलब फैदरी होती है। इसकी जो होती है स्टिग्मा फैदरी या पंख के जैसे
पाई जाती है। तो इसमें आभासी एक कंडपी होता है, एक कोष्ठीय बीजाणुन्यास सूडो मोनोकार्पलरी भी कहते हैं। अब इसका है फ्रूट कैरियोप्सिस कहते हैं उसे। अब है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला इसका इसका फ्लोरल फार्मूला है ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ दो लोडिक्यूल के रूप में होते हैं, एंड्रोशियम तीन होते हैं और गाइनोशियम मोनोकार्पलरी होती है और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन है कि ये मोनोकोटिलेडनी क्लास में आता है। इसका इसमें विशेष लक्षण इसके समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है और इसमें पुष्प त्रिभागी होते हैं। सीरीज में ग्लूमेसी, इसमें पुष्प एकल पाया जाता है, अपुष्प वृंत होता है और सहपत्रों के कक्ष में पाए जाते हैं। इसमें परिदल पुंज शल्कों का या अनुपस्थित होता है। अंडाशय बहुधा एक कोष्ठीय और एक बीजांडयुक्त होता है। इसकी फैमिली ग्रैमिनी, इसमें तना संधित होता है, पत्तियां एकांतर होती है, दो रैंक वाली होती है। फटे आच्छद और जीविका स्प्लिट शीत और लिग्यूल सहित होती है। इसमें पुष्पक्रम कणिशिखा या स्पाइकलेट और प्रत्येक में एक या दो रिक्त तुष या ग्लूम्स होते हैं। फिर पेल होता है जिसमें कक्षे पुष्प होते हैं। बहुधा तीसरा तीन पुंकेसर पाए जाते हैं, चौथा अंडाशय ऊर्ध्वर्ती और एक बीजांडयुक्त होता है। इसमें फल कैरियोप्सिस के रूप में पाया जाता है। अब इसके चित्र को समझेंगे। ये इसकी फ्लावरिंग ट्विग है जिसमें ये लीफ पाई जाती है। इसमें ये ऊर्ध्व तना पाया जाता है और इसमें ये इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। अब इसके इस चित्र में ये डिसेक्टेड स्पैकलेट है। ये इसमें दो तरह के ग्लूम पाए जाते हैं, दो तरह के तुष पाए जाते हैं। ये स्टेराइल ग्लूम कहलाते हैं और ये फर्टाइल ग्लूम कहलाते हैं। ये और इसके अंदर पेलिया होती है जिसके अंदर कक्षीय पुष्प उत्पन्न होते हैं और ये दो जो हैं वो लोडिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें ऊपर की ओर ये स्टेमन्स पाए जाते हैं, तीन स्टेमन होते हैं। ये वर्सेटाइल होते हैं, डाइथिकस हैं। इसका पुतंतु लंबा दिखाई दे रहा है। अब यह है गाइनोशियम। गाइनोशियम इसमें स्टाइल अनुपस्थित है और जो ये स्टिग्मा है ये कैसी है, फैदरी। तो ये गाइनोशियम का है। अब ये सिंगल स्टैमन है। सिंगल स्टैमन में ये नीचे की ओर फिलामेंट दिखाई दे रहा है। ये कनेक्टिव है जहाँ से जुड़ता है और ये दो एंथर लोब्स हैं। ये कनेक्टिव इस तरह से जुड़ा हुआ है कि ये मुक्त डोली दोनों तरफ घूम सकता है, इसलिए इसको कहते हैं मुक्त डोली। अब है गाइनोशियम। गाइनोशियम में ये इसकी ओवरी है, स्टाइल अनुपस्थित होती है और स्टिग्मा जो है वो फैदरी हैं। अब इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में ये जो दो बता रखी हैं ये है इसकी ब्रैक्ट्स और ये दो जो हैं वो क्या है, लोडिक्यूल पेरियंथ दो हैं। इसमें एंड्रोशियम तीन पाए जाते हैं, ये एंड्रोशियम तीन हैं और गाइनोशियम में मोनोकार्पलरी है तो
इसका ये इस तरीके से इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं।